Good morning, everybody. How are you all? I hope you all are safe, healthy, and happy at your home. So previously, I have explained you about the asexual methods of reproduction in the plants, that how plants reproduce asexually by different types of method. And the method which we have studied is budding, fragmentation, and spore formation. Today I am going to explain you about another method of asexual reproduction, which is known as the vegetative reproduction or vegetative propagation. दोनों ही हम इसे कहते हैं, vegetative reproduction भी कह सकते हैं, vegetative propagation भी कह सकते हैं. I have already given you a general idea about what vegetative propagation is. क्या होता है vegetative propagation? When a new offspring or new individual is produced from the vegetative parts of the plant without any help from the reproductive part. Means two parts होते हैं, ये मैंने आपको बताया था plant में, vegetative part होते हैं और reproductive part. Vegetative parts कौन से होते हैं? Roots, stem and leaves. और reproductive parts कौन से होते हैं? Flowers और fruits. जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और जिन से रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब हुआ? कोई न्यू इंडिविजुअल अगर प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस होके प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उसको हम उस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. And it is of two types. ये two types के होते हैं. कौन से two types के? Two types means दो तरीके से vegetative propagation होता है. First is naturally, जिसको हम natural vegetative propagation कहते हैं, and other one is artificially, जिसको artificial vegetative propagation कहते हैं. Now natural vegetative propagation में obviously naturally अगर कोई new plant develop हो रहा है vegetative part से, रूट से, स्टेम से या लीव से, तो वो आता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर. अब ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रूट्स में. रूट वेजिटेटिव पार्ट है ना, तो रूट से जो प्लांट डेवलप हो रहे हैं अपने आप, वो होते हैं आपके नेचुरल, वो आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर. एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, डहेलिया और एस्परेगस. ये जो प्लांट्स हैं स्वीट पोटैटो, इनकी जो स्टोरेज रूट्स हैं, स्टोरेज रूट्स की में इनके बहुत सारा फूड स्टोर होता है, और ये एक न्यू प्लांट में डेवलप करती हैं. न्यू प्लांट में भी पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती हैं इनकी स्टोरेज रूट्स और न्यू प्लांट में डेवलप करती हैं. तो इसलिए अब न्यू प्लांट में डेवलप हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट. सेकेंड है बाय स्टेम, विच कैन बी सीन इन पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक. आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में से कई बार बहुत सारी आईज निकल आती हैं, पुराना हो जाता है पोटैटो. आलू जब पुराना हो जाता है तो आपने देखा उसमें व्हाइट कलर की बड्स निकलनी, व्हाइट या लाइट ग्रीन कलर की बड्स निकलनी स्टार्ट होती है, जिनको हम आई कहते हैं. लाइक दिस, ये पोटैटो है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बीच बीच में कहीं ऐसे छोटी छोटी बड निकलनी स्टार्ट होती है. तो अब इसमें अगर हम ये पोटैटो को पीसेस में कट कर दें, अलग अलग पीसेस में, मीन्स ईच पोटैटो हैविंग एक बड उसमें जरूर होनी चाहिए. पोटैटो मान लीजिए इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ऐसे, तो इसमें हमने फोर पीस कर दिए एक पोटैटो के, और इन फोर पीसेस को हम मॉइस्ट सॉइल के अंदर जब सो करेंगे, सॉइल में हम दबा देंगे, तो ईच पीस ऑफ अ पोटैटो कैन ग्रो इन टू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट ऑफ पोटैटो. आई होनी चाहिए बस उसमें, एक सिंगल पोटैटो से हम बहुत सारे पोटैटो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. उसमें आई, एक आई होना जरूरी है, एक आई जो है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होती है. तो ये हो गया आपका स्टेम से. कौन कौन से पोटैटो बहुत कॉमन है हमने देखा है, और जिंजर, टर्मरिक, ये भी बाय स्टेम से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बाय लीव, विच कैन बी सीन इन ब्रायोफिला और बिगोनिया प्लांट है, उसमें भी देखने के लिए मिलता है. ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है. ब्रायोफिलम की लीफ में क्या होता है, मार्जिन्स पे, लीफ मार्जिन्स पे छोटी छोटी बड्स निकलनी स्टार्ट होती हैं. लीफ मार्जिन्स मीन्स बिल्कुल लीफ के कॉर्नर पे.
ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे न्यू प्लांट निकलने स्टार्ट होते हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं ये लीफ में से डिटैच होकर अलग होके सेपरेट होके एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। तो ये यहाँ पर न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? लीफ से। अपने आप प्रोडक्शन हो रहा है, आर्टिफिशियली तो कुछ नहीं किया गया, अपने आप ही लीफ के कॉर्नर्स में छोटे छोटे बड्स निकले, न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हुआ, वो प्लांट डिटैच हुआ लीफ में से और फिर एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप। तो इस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली होता है। दीज कम्स अंडर दीज ऑल मेथड्स कम्स अंडर द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। नाउ कमिंग टू द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, हम रिप्रोडक्शन करा रहे हैं प्लांट का, एक न्यू प्लांट ग्रो करा रहे हैं, बट आर्टिफिशियली, नेचुरल नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा, इस मेथड में आर्टिफिशियली हमें कुछ करना पड़ रहा है जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड है इसमें कटिंग, विच इज वेरी कॉमन इन रोज एंड शुगर केन। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्लांट की स्टेम को कट किया जाता है, उसको फिर ग्रो किया जाता है एक इंडिविजुअल प्लांट में। जैसे शुगर केन है या फिर रोज है, रोज बहुत कॉमन एग्जांपल है, रोज हम ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नेबरहुड में बहुत अच्छा रोज का प्लांट है, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, उसके कलर बहुत अच्छा है, तो सिंपल यू हैव टू डू इज आपको वहाँ से रोज की स्टेम की कटिंग करके लानी है, बट उस स्टेम में एक नोड जरूर होनी चाहिए। नोड आप लोगों को पता है, सिक्स क्लास में पढ़ा था, नोड क्या होता है, जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, तो नोड जरूर होना चाहिए स्टेम में। जैसे ये आपका नोड हो गया, तो हमने एक स्टेम ली जिसमें नोड हो गया, अब इसको हमने सॉइल के अंदर ग्रो किया, तो वो एक छोटी सी जो स्टेम थी वो एक पूरे इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेगी। तो ये कटिंग यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली, अपने आप नहीं हुआ, हमने स्टेम को कट करके सॉइल में ग्रो करा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, सब जो हो रहा था अपने आप ही हो रहा था, तो इसलिए ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। और यहाँ पर अपने आप नहीं हो रहा, यहाँ पे आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, तो कटिंग की हमने प्लांट की और फिर उसको सॉइल में ग्रो किया और फिर जो प्लांट है वो ग्रो करेगा एक इंडिविजुअल प्लांट। तो ये हो गया कटिंग। सेकेंड मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, हमने एक प्लांट लिया, एग्जाम्पल है जैस्मिन और बोगेनविला को, बोगेनविला प्लांट को हम लेयरिंग के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। इसमें हमने मान लीजिए जैस्मिन का प्लांट है, जैस्मिन के प्लांट को क्या किया, एक प्लांट ग्रो हो रहा है सॉइल में, उसकी ब्रांच ले ली जो कि बहुत लंबी थी, लंबी ब्रांच ले ली, स्टेम जो सॉइल के पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस ब्रांच को हमें सॉइल के अंदर ग्रो करना है। तो मान लीजिए ये प्लांट है और यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पे दूसरी बहुत बड़ी स्टेम है, तो हमने ये स्टेम लिया, इस स्टेम को हमने क्या किया, इसका स्टेम का मिडिल पोर्शन, थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको हमने सॉइल के अंदर दबा दिया। तो आप देख रहे हैं जो इसका जो ये ऊपर और नीचे का जो पार्ट था वो तो सॉइल के बाहर है, पर इसका जो मिडिल पार्ट है स्टेम का वो सॉइल के अंदर हमने दबा दिया। तो यहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो पार्ट हमने दबाया है उसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। रूट्स निकलने से क्या होगा, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अपने आप को डिटैच कर लेगा और ये वाला एक दूसरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो हमने ये स्टेम ली थी बड़ी सी, इसको जब हमने ये मान लीजिए सॉइल की लेयर है, इसका हमने बीच का जो पार्ट है वो ऐसे सॉइल में ग्रो कराया, यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो गई। अब क्या होगा, यहाँ जब प्रॉपर रूट्स निकल जाएंगी तो ये वाली जो स्टेम है ये डिटैच कर लेगी, ये तो अपनी डेवलप होगी और ये जो दूसरी स्टेम का टॉप पोर्शन था ये एक न्यू प्लांट, मीन्स एक प्लांट से दो प्लांट डेवलप हो गए। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होती है वो
इट इज द मेथड ऑफ लेयरिंग. आर्टिफिशियली कराया गया ये भी, इसमें अपने आप कुछ नहीं हुआ. हमने एक स्टेम को, एक ब्रांच को, प्लांट की ब्रांच को लेके हमने सॉइल के अंदर दबाया था ताकि उसमें से रूट्स ग्रो हो जाए और फिर वो डिटैच होके एक इंडिविजुअल दूसरे प्लांट में ग्रो करेगा. तो ये लेयरिंग का मेथड है. लास्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग. बहुत ध्यान से सुनेंगे, ग्राफ्टिंग के मेथड में क्या होता है, टू प्लांट्स ले, एक प्लांट लेना है पॉटेड. पॉटेड प्लांट मीन्स पॉट में लगा हुआ प्लांट. टाइप एक ही होना चाहिए. एग्जांपल है मैंगो और एप्पल. जैसे मैंगो है, मैंगो का प्लांट लगा हुआ है सॉइल के अंदर. तो हमने क्या किया, उसको कट करते हैं. हम दो अलग अलग प्लांट की हमें स्टेम चाहिए. तो ये बेसिकली यूज क्यों होता है, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए दो मैंगो के प्लांट हैं, एक मैंगो के प्लांट की यील्ड बहुत अच्छी है, यील्ड मतलब बहुत सारे मैंगोज लगते हैं उस प्लांट में, पर उस प्लांट में जल्दी डिसीज लग जाती है, डिसीज प्लांट है वो. और जो दूसरा प्लांट है उसकी यील्ड अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंगोज ही लगते हैं पर उसमें कोई डिसीज नहीं है प्लांट में. तो अगर हमें इन दो क्वालिटीज को एक प्लांट में करना है, हमें ऐसा प्लांट चाहिए जो डिसीज रेजिस्टेंट भी हो, उसको डिसीज भी ना हो और उसकी यील्ड भी बहुत अच्छी हो. यील्ड का मतलब जो उसमें मैंगोज पैदावार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो उसमें मैंगोज लग रहे हैं वो भी अच्छी क्वांटिटी में लगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक प्लांट तो लेंगे हम जो लगा हुआ होगा रूट में, रूट से लगा हुआ होगा, और दूसरे की हम स्टेम लेंगे, उसको हम ऐसे काट लेंगे, थोड़ा स्लैंडिंग में काट लेंगे. तो जो स्टेम ऊपर वाले होती है उसको, जो दूसरे प्लांट के स्टेम लिए हमने स्कियन कहते हैं, और जो रूटेड प्लांट है, रूटेड मीन्स जिसकी रूट्स हैं, रूट के साथ हमने जो प्लांट लिया है उसको हम स्टॉक कहते हैं. अब इन दोनों स्टेम को हमने इस तरीके से टाई करना है कि इनकी जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं. मीन्स बहुत अच्छे से ऐसे हमने स्लैंटिंग, इसको भी स्लैंटिंग काटा, इसको भी, और इन दोनों को ज्वाइन करके हमें किसी क्लॉथ से या किसी भी चीज़ से उसको टाई कर देना है. कुछ दिनों बाद क्या होंगे, इनके जो टिश्यूज हैं अंदर, टिश्यूज क्या थे, जाइलम और फ्लोएम, जो टिश्यूज थे वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाएगा. तो इससे क्या हुआ, जो इस प्लांट, ये दूसरे प्लांट की स्टेम थी और ये दूसरे प्लांट की, तो इन दोनों प्लांट की जो क्वालिटीज हैं वो एक ही प्लांट में आ गई. तो इस तरीके से ये बेसिकली फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है. दो प्लांट में जिनमें अलग अलग क्वालिटीज हैं, उनसे एक सिंगल प्लांट, उन क्वालिटीज को एक सिंगल प्लांट में डेवलप कराया जाता है. बस ये याद रखना है कि जो एक प्लांट है वो रूटेड होना चाहिए और दूसरे की स्टेम जो हम ले रहे हैं उसको प्रॉपरली कट करके टाई करना है, जिससे कि जो उनके टिश्यूज हैं अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए. और जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लांट को, वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो ये जो रूटेड प्लांट है, ऑब्वियसली रूट्स सॉइल में से मिलते हैं ना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स. तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो रूटेड प्लांट है उसमें से मिलते हैं. ये क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे स्टॉक और स्क्योन किसको कहते हैं. स्टॉक जो रूटेड वाला प्लांट था उसको स्टॉक कहते हैं, और जो दूसरे प्लांट की स्टेम लिया हमने उसको स्क्योन कहते हैं. तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड है विच इज यूज्ड इन मैंगो एंड एप्पल. सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, उसमें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से, स्टेम से और लीव से. टू मेथड्स हैं इसमें, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरली प्लांट्स प्रोपेगेट होते हैं बाय रूट, स्टेम और लीव, और आर्टिफिशियली प्लांट्स प्रोपेगेट करते हैं बाय थ्री मेथड्स, cutting, layering and grafting. I hope the video is clear to you and the concept you are getting. Agar samajh nahi aaya hai, do watch the video again, read the book, okay? I hope you will get it. So this is all for today's video.